ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي आज का इंटरेक्शन आपने जैसे सुना थोड़ा नया है आप लोगों के लिए, लेकिन जितना नया है उतना रिलेवेंट है, हर एक के लिए चाहिए। कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि ये टॉपिक मुझे नहीं चाहिए, चाहे वो जवान हो, चाहे वो मिडिल एज का हो, चाहे वो एज्ड पर्सन हो, हर एक को उसकी जरूरत है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली क्या है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह मान लेते हैं कि भाई आप लोग एक सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ लीड कर रहे हैं, मान लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओह देखो थोड़ा सा फर्क के साथ कितना बड़ा डिफरेंस आया है कि नहीं, ऐसे ही है मैरिटल लाइफ। सो आप लोग इधर आए हैं ना, मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, मेरा एक्सपेक्टेशन आप लोगों से क्या है। आप लोगों ने आके इस बात पर सिग्नेचर कर दिया, इस बात को तुमने साबित कर दिया कि तुम आप लोग अपने मैरिटल लाइफ के लिए सीरियस हो, तुम लोग इजीली मैरिटल लाइफ को लीड कर सकते हो क्योंकि आए हो ना इधर। मालूम है कितने लोग अभी बिस्तर से नहीं उठे, कितने लोगों को टेस्ट और मैच देखना है, क्रिकेट देखना है, कितने लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं बिरयानी खाने जाने के लिए, और किसी के रिलेवेंट कुछ रीजंस भी हो सकते हैं। तो उनमें से तुम लोग और आप लोग जो आए हैं ना, तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि भाई आपकी लाइफ तो सेट है इंशाल्लाह, बट आपसे मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ और है। आप लोगों से मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग काउंसलर बनना है इस फील्ड के, मीडिएटर बनना है कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, दोनों के बीच में मीडिएशन कराने वाले आपको बनना है, अपने फैमिली में, अपने नेबरहुड में और अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर कोई हस्बैंड वाइफ आपस में डिस्प्यूट कर रहे हैं तो आप लोग होंगे उनके काउंसलर। ओके, ये एक्सपेक्टेशन आपके साथ रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक बात बता देता हूं मैं आपको, कुछ लोग आप लोगों ने सोच रहे होंगे इतना बड़ा टॉपिक है, इतना ज्यादा लोगों के अंदर हम लोगों ने अवेयरनेस दिया फिर भी लोग कम आए, ऐसा कुछ लोग सोच रहे होंगे। मैं बोलता हूं कि मत सोचो ऐसा, कभी ऐसा मत सोचो, क्योंकि टॉपिक है ना इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन लोगों ने अभी तक इसको इंपॉर्टेंस समझा नहीं है। अगर समझते होते तो इधर तक लाइन हो जाती, मतलब रश हो जाता। हर एक को जरूरत है बट हर एक आदमी उसको लाइट ले रहा है। अब आप लोग माशाल्लाह चेन्नई में इस टॉपिक को, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस को आप लोग बता रहे हैं, इनिशिएट ले रहे हैं, आप लोग बिगिनिंग कर रहे हैं आप। ओके, इग्नाइट कर रहे हैं आप लोग, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं आप लोग, लोगों को। दो तीन साल के बाद इंशाल्लाह तेरा लोग समझेंगे। ओके, तो डोंट बी वरी, ऐसा ऐसा मत सोचो कि यार इतना सब तैयारी की है कि जब मैं खुद नहीं सोच रहा हूं उतने दूर से आके तो आप लोग क्यों सोचेंगे। अजर तो मिल जाता है मेहनत पर, अजर जो अल्लाह ताला सवाब और रिवार्ड मेहनत पर देता है और नियत पर देता है, रिजल्ट पर नहीं देता। गॉट इट? ओके, चल आगे बढ़ता हूं। मैं एक स्लाइड आपके सामने बता रहा हूं ताकि इस वर्कशॉप का या ये जो कंटेंट में जो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा उसका इंपॉर्टेंस आपको मालूम हो जाए। क्या है कि प्रपोर्शन ऑफ मैरिटल डिस्प्यूट्स अफेक्ट्स, शादी होने के बाद जो मैरिटल डिस्प्यूट्स होते हैं ना उसका इफेक्ट अलग अलग होता है, अलग अलग टाइप से उसका जो है ना डैमेज होता है हमारे लाइफ में। फर्स्ट मेरे 99% जनरल और कॉमन डिस्प्यूट्स, लेट गो करना है उसको, लेट गो थ्रू करना है, 90% आते हैं। ओके,
इंसान है, झगड़े हो जाते हैं जोर और मर्द के बीच में, दो बर्तन मिलते हैं तो आवाज आते हैं ठन 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 ठन, ओके उसको बड़ा नहीं करना है। और ये सब छोटे मोटे जब डिस्प्यूट हमारे हस्बैंड वाइफ के लाइफ में आते हैं ना, तो वो हमारे प्यार को रिफ्रेश करते हैं, हमारी एक दूसरे की कदर को ज्यादा करते हैं। छोटे मोटे इख्तलाफात से प्यार बढ़ता है, ओके, वरना बी से बोर हो जाते हैं झगड़ा नहीं करेंगे तो, ओके। सो 90% डिस्प्यूट्स विच ट्रबल्स फॉर शॉर्ट टाइम, डिस्प्यूट है शॉर्ट टाइम के लिए, 1 week 2 week 1 month 2 month 1 year के लिए हमको डैमेज करके चले जाते हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा सा फैटिग में रख के चले जाते हैं। 60% डिस्प्यूट विच ट्रबल्स फॉर लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म के लिए हमको ट्रबल में डालते हैं, 2-3 साल 4-5 साल बच्चे बड़े होने तक, सुभान अल्लाह, इट इज बिट चैलेंजिंग, ओके। 50% ऐसे हैं डिस्प्यूट्स विच हार्म्स स्पाउसेस एंड आल्सो अदर रिलेटिव्स, डिस्प्यूट आए हमको भी लॉन्ग टर्म तक प्रॉब्लम में डाले और प्रॉब्लम माइग्रेट होके किसको चला गया, माँ बहन सास ससुर बिजनेस मेरे फ्रेंड सर्कल, दूसरों को भी ट्रबल में डाल दिया। और डिस्प्यूट दैट्स एंड अप विद द तलाक एंड खुला, ये हमारे में 20% ऐसे आते हैं, ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जिसका एंड रिजल्ट तलाक और खुला में होता है, विच इज रियली डिजास्टर। और खत्म हो जाना चाहिए था ना, इतना इसके बाद खत्म हो जाना चाहिए, तलाक और खुला के बाद क्या भाई, नहीं। उसमें से 15% ऐसे हैं जो यार तलाक और खुला के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। मैं ये बता के आपको क्या बता रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि अगर हम ये सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली रीजन क्या है, अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग को ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस से बचना है और दूसरों को बचाना है। तुम लोग में से कोई अभी सोच रहा है यार ऐसा कुछ भी मेरे लाइफ में नहीं है, ठीक है भाई, तुमको अल्लाह ने बहुत बड़ी नियामत दिया है, लेकिन दूसरों को बचाना है ना, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग रहेंगे। चलो बिस्मिल्ला, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही लेंथी है, बहुत ही वाइड है, बहुत ही डाइवर्ट है आज का टॉपिक, एक्चुअली इट इज अ ओशियन, ओके। और मेरा कंटेंट क्या है यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं, आई हैव वर्क फॉर तकरीबन 10 साल के लिए मैंने काम किया है इस फील्ड में, फिजिकली काम किया है, थियोरिटिकल स्पीच देके तकरीर करके नहीं, मैं तकरीर करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं तकरीर करने के लिए ट्रैवलिंग भी नहीं करता, मैं अगर चेन्नई में आया हूं तो एक थीम और एक प्रोजेक्ट को लेके आया हूं, यहां पर वो बीज मैं डाल के सीड डाल के जाना चाहता हूं, फिर दरख्त आगे जाएगा, आप लोग उसको लेके आगे बढ़ेंगे, ओके। सो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं ट्राई करता हूं कि उसमें बहुत सारी चीजें आपको देने का, ओके।